अभी एक ही मोमोज खाया है और इतना मजा आया है भाजी, जबरदस्त है। वाह, मतलब फुल खातिरदारी चल रही है, मजेदार। अपना मॉडल है ये, ऑफ रोड के लिए नहीं बनी, इसको हम ऑफ रोड के लिए रेडी कर रहे हैं। टायरों का गोदाम। तो ये रही अपनी बाइक, इसको लेके चलते हैं आज, इसका काम करेंगे स्टार्ट, तैयार करेंगे ताकि कहीं निकलना हो फटाफट राइड पे तो कोई दिक्कत ही ना आए। थोड़ी सी मिट्टी झाड़ लेते हैं, बहुत गंदी हो रही है यार। आप मानोगे मैंने क्लीन करके खड़ी करी थी और उसके बाद ये हाल हो गया, कुछ ऐसी दिख रही है। तो अब चलते हैं, अभी शॉप पे मिलते हैं। तो आज करेंगे इस बाइक का काम, अपनी बाइक में बहुत सारा काम है करने वाला, वो करेंगे, आपको दिखाएंगे। अभी खोलते हैं इसका फ्रंट अलॉय व्हील और आपको दिखाता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। उसके अलावा यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे, मतलब ऑफ रोड के मतलब की बना देंगे पूरी बाइक, मजेदार एकदम। हाइट और ऊंची हो जाएगी इसकी, अभी इतनी है और ऊंची करेंगे आगे से। तो अपनी बाइक पूरी खुल चुकी है, ये देखो क्या कर दिया हमने, ये इसका पुराना अलॉय, ये इसका नया अलॉय। अब बताता हूँ क्या करने वाला हूँ। 390 ड्यूक ओल्ड मॉडल है, ये पुराना मॉडल है, ये ऑफ रोड के लिए नहीं बनी, इसको हम ऑफ रोड के लिए रेडी कर रहे हैं और एडवेंचर भी हो सकता है इस पे, इसको हम बनाएंगे और सक्सेस करके दिखाएंगे वो कैसे। अगला अलॉय व्हील जो हम डाल रहे हैं 19 इंच का डाल रहे हैं और 17 इंच का था पहले, इसमें टायर भी चेंज कर देंगे, इसके फुटरेस्ट चेंज करेंगे, वो आगे करेंगे। तो ये सारा काम करेंगे, आपको पूरा डिटेल में दिखाएंगे। अभी मैंने इसकी फिटिंग के लिए इसकी डिस्क मैंने यहाँ से कटिंग करवा के बनवाई है और इसमें ये सेंसर लगता है यहाँ ABS का, ये सेंसर भी अभी हटाया है, इसकी सेटिंग बाद में बनेगी जब ABS प्लेट दूसरी लगेगी, क्योंकि वो दोनों चीज़ें नहीं लग सकती, ना उसकी ABS प्लेट लगेगी ना वो डिस्क लगेगी, डिस्क ये लगेगी। इसके अंदर मैंने कटिंग कर दी है ये ओल्ड मॉडल की, और इसके अंदर ABS प्लेट बड़ी लग जाएगी तो सेंसर ऊपर करके लगेगा यहाँ पे। सेंसर का स्टॉपर है, इसको मैंने घिसाया है, अंदर इसके स्क्रू टच हो रहे थे वो सेट करे हैं, और अभी जैक लगा रखा है फिलहाल मैंने, जैक भी मैंने हैंडमेड कस्टम बना रखा है, पेडोक भी अपने हाथ का बना हुआ है। तो ये बाइक इतनी ऊँची हो जाएगी जितनी ऊँची अभी खड़ी है, इससे भी और ऊँची होएगी जब ये टायर लग जाएगा। तो ये काम करते हैं और आपको कंटिन्यू करेंगे और दिखाते रहेंगे जो जो काम करेंगे साथ के साथ, और इस काम में 2-3 दिन लग सकते हैं क्योंकि पीछे जो फुटरेस्ट का काम है ना, फ्रंट फुटरेस्ट का, वो थोड़ा लंबा है, उसको करेंगे कंटिन्यू रखेंगे। जैसे जैसे मैं करता रहूँगा वैसे वैसे आपको डिटेल दिखाता रहूँगा, लेकिन आज की डिटेल आज के ब्लॉग में आपको अगला टायर फेंडर ये दो चीज़ें कोशिश करूँगा कि कंप्लीट करके दिखा दूँ। तो बने रहिए इस ब्लॉग में एंड तक। हालत में खड़ी है अपनी बाइक और इसका टायर चढ़वाने चलते हैं, टायर चढ़वा के आते हैं उसके बाद अगला काम करते हैं। यार टायर ना समझ नहीं आ रहा कौन सा डलवाऊं मैं, 1 घंटा हो गया सोचते हुए, अब देखता हूँ आज आके डिजाइन चेक करता हूँ और इसमें डाल देते हैं टायर को। टायरों का गोदाम मिल गया, बहुत मुश्किल है भाई ढूंढना यहाँ से, पूरा गोदाम भरा हुआ है नए पुराने टायरों से। तो टायर मैं फिट करा लाया हूँ लेकिन वो ब्रांड वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था, फिलहाल मुझे C8 का मिला है, C8 का टायर। और हाइट देखो कितनी, ये कितना ऊंचा हो गया, वो कितना छोटा है, अभी कुछ देखा नहीं है जुगाड़बाजी। हाँ भाई आ जा, टायर लगा रहे हैं देख। ओके रोज़ का पहले 17 इंची का 19 का रहे हैं, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा कह रहे हैं भाई, तो मजा आना चाहिए। लुक तो काफ़ी शानदार आ रही है इस बाइक में। अभी इसके ब्रेक पैड भी डालते हैं, इसके ब्रेक पैड ख़त्म है, मैंने अभी अभी चेक करा है भाई साहब, खर्चे पे खर्चा होता है, जब बाइक को खोल लो ना तो बहुत काम निकल आते हैं, इसीलिए कहते हैं हाथी लेना आसान है और पालना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए कहते हैं डायलॉग जब भी बना हुआ है। तो इसके ब्रेक पैड डालते हैं, तो ये रहे डिस्क पैड, इसके फ्रंट वाले वो हम पहले ही लेके रखते हैं सामान, अब इसके अंदर करते हैं फिट। और आपको पुराने हालत में निकले हैं ब्रेक पैड और जेनवन ये होते हैं और इतने घिस चुके हैं, अब फिट करते हैं इसको नए वाले। टायर फिट करने के बाद कुछ ऐसी दिख रही है बाइक, लेकिन अभी और काम भी करना पड़ेगा जो मेरा माइंड कह रहा है। मेरा माइंड ये कह रहा है कि आगे से ना थोड़ी सी ऊँची और करनी पड़ेगी क्योंकि टायर रेडिएटर पर लग सकता है,
उसके लिए हल्के से शोकर और ऊंचे कर देंगे, जाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, लंबा प्रोसीजर है। कोई नहीं, आज जितना काम हो गया इतना आपको दिखा दिया है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे। अगली बार जो काम करेंगे वो इससे भी थोड़ा और मतलब हो सकता है, समझ जाओ खतरनाक। तो इसके अभी ये फुटरेस वगैरह सब काम करना है, ये लंबा काम है। तो जैसे जैसे करते रहेंगे अगले ब्लॉग में दिखाते रहेंगे, फिर अगले ब्लॉग में दिखा देंगे, तो ऐसे ही चलता रहेगा काम और हम भी ऐसे ही चलते रहेंगे। हाँ भाई मुंडे हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाजी। हाँ पार्टी कितने देनी है फिर? पार्टी चल लो जिधर मर्जी जा लो। कोई नहीं, पार्टी तेरी ड्यू रही, खेल ले लेंगे, अच्छी दे देंगे पार्टी, टेंशन का नहीं है। पार्टी कर बर्थडे की पार्टी दी हमें पेस्टी। अपनी बाइक हमने यहाँ से गायब कर दी, चले फिर। बाइक कहाँ है अपनी? बाइक पता नहीं, पता नहीं कहाँ है। तो बाइक अपनी शॉप पे है, चलते हैं वहाँ पे, आपको दिखाते हैं उसमें क्या कार्रवाई चल रही है। चलो अपनी बाइक इस तरह की दिख रही है, अंधेरे में नहीं दिख रही होगी, दिखाएंगे। आइए डोमिनर भी आई है, इसका काम करेंगे। और ये भाई आए हैं बहुत दूर से मिलने के लिए, क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया भाजी, वेट कराया है मेरा, इंतजार करते रहे काफी देर। हाँ चलो बढ़िया है, और बड़े दिन बाद आए हो? गाँव गया था। अच्छा गाँव गए थे, चलो कोई नहीं, और सब ठीक ठाक? सब बढ़िया। आपके लिए चीज लाया हूं मैं। अच्छा जी, क्या लाए हो? वो आपके काम की चीज है, काफी टाइम से मैं सोच रहा था आपको। अच्छा जी, ये छोटा सा चिप माउंट है आपके लिए, देखो। क्या बात है, तो मेरे को इसकी नीड थी, तो भाई को मैंने बोला कि चाहिए, इन्होंने लगा रखा है अपने हेलमेट के ऊपर, तो इन्होंने लाके दिया है। चलो थैंक यू भाई, बहुत बहुत भाई हमें भी ले लो प्लीज। आजो आजो आजो, ठीक हो? अरे ये छोटा भाई हमारा, चौके छक्के बहुत मारता है आजकल। क्या बात है, चाय आ गई है हमारी? चाय आ गई बढ़िया एकदम। ले लो भाई चाय ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद। निकल क्यों नहीं रही है? निकल क्यों नहीं रही है? बहुत गर्म यार तुम। ये वो दे दो नीचे, कप दे दो पाजी को भी दो। धन्यवाद आपके, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बाइक घर आ चुकी है, टायर बड़ा डाल दिया है, अब चल रहे हैं, उनको मिलते हैं और मिलवाते हैं। तो चलो चल साहब चला। क्या हाल चाल है पाजी? पाजी फर्स्ट क्लास, आओ बैठो। लेट हो गए। हाँ पाजी पहली बार दिख रहे हैं हमारे साथ ब्लॉग में। वो ये पहले बंद कर नहीं है, पहले हो जाए ना ज्यादा वधिया है। नहीं नहीं बात दादे पता ही नहीं थी कितनी होना है। तो अभी चल रहे हैं, कोई काम है वहां चल रहे हैं। पाजी फिर कहाँ लेके चल रहे हो? आज लेके चलेंगे चाणक्यपुरी, आपको मोमोज खिलाने। अच्छा जी, पाजी कह रहे हैं कि मोमोज ऐसे खिलाऊंगा कि कभी नहीं खाए होंगे, तो वो चलते हैं खाने के लिए, देखते हैं टेस्ट करते हैं मोमोज एक नंबर। हाँ तो आज ट्रैफिक भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल खाली एकदम, सड़कें ऐसे हैं, मज़ा आ गया आने में। मेरे को ऐसे लग रहा था कि जाम ही जाम मिलेगा, लेकिन मज़ा आ गया, खाली बिल्कुल सड़कें मेरे को। जाते हुए देने अभी दे दे। तो यहाँ पे मोमोज वाला है,
उससे मोमोस ट्राई करते हैं। पहले खा के बताएंगे फिर नाम बताएंगे। फिर नाम बताएंगे, पहले खाते हैं फिर बताते हैं, ऐसे ही है ना डायलॉग। बिल्कुल। अभी एक ही मोमोस खाया है और इतना मजा आया है भाजी, जबरदस्त है। वाह स्वाद आ गया। बहुत बढ़िया, मतलब फुल खातिरदारी चल रही है, मजेदार भाजी, एकदम गरम गरम फर्स्ट क्लास। प्लेट जैसे ऊपर से प्लेट ढकी हुई थी ना, जैसे ही हटाई और धुआं, ये देखो लो भाजी फड़ो, बहुत बढ़िया। पाजी ने खातिरदारी में कमी नहीं छोड़नी मेरे को लग रहा है, है ना। वो जो खाया पेट ऊपर तक हो गया है, और ये देखो और पैकिंग होके आ गया सामान। हाँ जी सर। क्या लाए हो? सर मोमोस लाए हो। अच्छा जी सर, एक मिनट। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, देख रहे हो आपके सामने ही इतना माल हो रहा है पैक होके। कुछ कहना चाहेंगे पाजी? पाजी कह रहे हैं मुझे मत दिखाओ, बाकी जो मर्जी करो। बता सकता है कौन सी गाड़ी है तो बताना कमेंट करके। मतलब एक चीज से ऐसी मार खा रही है, इसका जो लोगो है ना वो बहुत ही छोटा कर दिया। पहले की जो लुक थी ना इसकी जबरदस्त, लेकिन अब भी ठीक है। आज सारे रॉकेट दिखा देंगे, सारे, कोई नहीं छोड़ना। क्या बात है, कहाँ खा के आए थे अभी, वो क्या नाम है जगह का, क्योंकि हम गाड़ी से तो बाहर निकले नहीं। चणक्यपुरी। हाँ चिमनीस, चणक्यपुरी चिमनीस उसका नाम है, और कोई बंदा यहाँ रहता है नियर बाय या दिल्ली में कहीं भी रहता है, मोमोज खाने है तो वहीं जाओ, मजेदार एकदम भाजी, मजा आ गया। नंबर वन आज कह सकता हूँ, मजा आ गया, डकार भी आ गया। क्योंकि तो पैक करवा के लाए हैं, वो घर पे भी तो खिलाने हैं सबको, वो ठंडे हो जाएंगे तो मजा ही नहीं आएगा, क्यों भाजी? बिल्कुल जी बिल्कुल, गरम गरम दही मजा है। हाँ भाजी अब मिलेंगे जल्दी, या तो कोशिश करेंगे मंडे को, है ना। बिल्कुल बिल्कुल मंडे चलते हैं। मंडे को पाजी की भी छुट्टी होती है और हमारी भी होती है, उसके बाद बनाएंगे जबरदस्त प्लान, अच्छी राइड का, लॉन्ग राइड। हाँ लॉन्ग राइड का, लॉन्ग राइड का ही बनाते हैं या पहले संडे राइड का बना देंगे। हाँ एक संडे राइड करते हैं, क्योंकि पाजी ने बाइक चलानी अब स्टार्ट करी है, मतलब ट्रैवल करना भी, मतलब धीरे धीरे। मैंने आपको बताया ना पीछे वीडियो में कि हमारे साथ जो भी बंदा जुड़ेगा सबको शौक डाल देना पूरा ट्रैवल का, राइडर बना देना बढ़िया वाले, हैवी ड्राइवर। तो चलो मिलते हैं अभी घर जाके। चंगा पाजी थैंक यू बहुत बहुत, मिलते हैं फिर मिलते हैं मंडे नू।